वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर हैं सोहेल अहमद साहब, उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि आपने जो वीडियो बनाई है उसके अंदर आपने बताया कि कैसे आप पर मंथ अपनी आमदनी को चेंज करके आप पर डे के ऊपर ले गए, आप हर महीने हर दिन आप एक मखसूस इनकम कमाए, उससे यह कि आपका घर बन जाएगा एक साल के अंदर अंदर ही। अब वो कह रहे हैं कि मेरी जो पर मंथ आमदनी है वो 15,000 है, 15,000 मंथली। अब आप कह रहे हैं कि पर डे के हिसाब से 10,000 कमाएं, तो ये तो मैं कैसे करूँगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो आइए बात करते हैं कैसे पॉसिबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक साहब हैं, एक लड़का जो रहीम यार खान का है था, वो आज से कोई 2002 के में रहीम यार खान से लाहौर आया और लाहौर आके मामूली समझ ले आईटी की वो तालीम उसने ली और एक कंपनी ज्वाइन की। उस कंपनी में कोई हाशमी साहब से थे जो वहाँ से छोड़ के जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी जो अलविदाई तकरीर थी उसमें कहा सब सुनने वालों को कि ज़िंदगी में अपना गोल मुकर्रर करें। तो गोल मुकर्रर करेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी कुछ बेहतर होगी, वरना ऐसे चलते रहेंगे तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होगा। उस्मान आसिफ साहब जो हैं उन्होंने वो बात उनके उन्होंने पल्ले बांध ली है जी। अब हाशमी साहब ने भी इतनी बड़ी तरक्की नहीं की जितनी वो बात सुन के उस्मान आसिफ साहब ने कर ली है जी। उन्होंने घर गए, घर जाकर उन्होंने अपने लिए हदफ मुकर्रर किया कि भाई मुझे कितना पैसा चाहिए, तो डॉलर्स में जो उन्होंने हदफ लिखा आज का वो 2 अरब रुपया बनता है। और उस हदफ लिखने के 10 साल के बाद वो 2 अरब रुपया कमा चुके हुए हैं, आईटी की फील्ड में है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक आईटी कंपनी रन करते हैं, 6 लाख स्क्वायर फीट का उनका ऑफिस है, 80,000 लोगों को मुलाजमत देने जा रहे हैं अगले 10 सालों में। तो आप सोचिए, और वो को 10-20-30 हज़ार की मुलाजमत थी उनकी जब ये उन्होंने सुना और उसके बाद उन्होंने अमल किया। ये वैसे ही है कि जैसे कोई मौलवी थे और वो तकरीर करते करते उन्होंने कहा कि जी फलां आयत पढ़ के तो अगर आप पानी के में से चल जाएं तो पानी के ऊपर आप चल सकते हैं। तो कोई बंदा बैठा हुआ था, बच्चा जो कि मासूम था, उसने उसको पल्ले बांध लिया और उसने उसी नीयत से आयत पढ़ना शुरू की और वो पानी से उस तरफ जाना शुरू हो गया। कई दिन जाता रहा, एक दिन वो जो मौलवी साहब थे वो भी आ गए, तो मौलवी साहब ने जो है ना उन्होंने मौलवी साहब ने बच्चे से कहा यार थोड़ा दूर से हमें जाके पुल से क्रॉस करके आना होगा। उन्होंने कहा जी पुल से क्रॉस करने की क्या ज़रूरत है, फलां आयत आपने जो बताई थी मैं तो पढ़ता हूँ और मैं पार हो जाता हूँ और मेरा रोज़ का मामूल है। तो मौलवी साहब ने कहा अच्छा, तो उसने पढ़ा और वो बच्चा पार हो गया। मौलवी साहब का यकीन नहीं था आयत के ऊपर, वो पार नहीं हुए, वो पानी में उनका जब डुबकी लगने की वापस आ गए। अर्ज करने का मतलब ये है कि ये जो उस्मान आसिफ साहब की मिसाल है, आजकल काफ़ी मीडिया पे आप सर्च करें, मुख्तलिफ जगहों पे उनकी पॉडकास्ट है, उनकी गुफ्तगू है, इंटरव्यू है। मामूली जो शक्लो शबाहत के नौजवान हैं, लेकिन इन्वायरमेंट जो उनका उन्होंने जो अपने ऊपर अडाप्ट किया वो एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उनकी बात सुन के आप में एक नई एनर्जी भर जाती है, ठीक है ना। तो वो इंसान जो है वो बड़ा इंस्पायरिंग है। तो आप उन लोगों को फोकस करें जिन लोगों ने 2 अरब रुपया का पाकिस्तान में सोचे कि भाई पाकिस्तानी है एक आम आदमी जिसने वो हदफ अचीव कर लिया है हमारे सामने आज के दौर के अंदर, ठीक है ना। कोई नो बैकग्राउंड, नो वालद साहब बचपन में ही फौत हो गए थे, वालदा ने बमुश्किल थोड़ी बहुत जो तालीम थी वो दी है जी। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि आप जिस दुनिया में हैं उस दुनिया को चेंज कीजिए, ठीक है ना। हम एक बहुत ही डिफरेंट दुनिया के अंदर है। ये उस्मान आसिफ साहब से मैं तारफ नहीं था, लेकिन वो थ्रू सोशल मीडिया हुआ, अब उनको मैंने फॉलो किया तो मुझे पता लगा कि बंदे ने किस तरह से ग्रो किया है। पॉसिबिलिटी इज देयर, हर काम के अंदर पॉसिबिलिटी है। आप ये 10-15 हज़ार वाला जो मामला है इसको आप छोड़िए, इससे आगे बढ़िए, अपने अंदर वो सलाहियतें पैदा कीजिए कि जिससे आपकी आमदनी में इजाफा हो और ये मुमकिन है। यकीन पैदा कीजिए, वो जो बच्चे वाला यकीन था ना कि पानी क्रॉस कर लेता था वो आयत पढ़ के, अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे यकीन नहीं होंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं है। तो यकीन के साथ हमारी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। जो मैंने घर बनाने का जो फार्मूला दिया है वो 24 घंटे आपके पास होते हैं। अगर कोई बंदा 24 घंटे में 10,000 रुपये नहीं कमा सकता, हो सकता है वो एक महीने में अगले महीने ना कमाए, 6 महीने तक ना कमाए, 1 साल तक ना कमाए, लेकिन अगले साल वो ज़रूर कमाना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर काम शुरू करेगा। और हो सकता है अभी वो 2,000 दिन का कमाए, 5,000 कमाए, 7,000 कमाए,
तो बहुत कुछ करने का है। वन डिश वाला सिस्टम जो आजाद चाय वाला बताता रहता है वो भी कोई बुरा नहीं है। क्या आप देखें ना, कोई रीजनेबली आपको बिरयानी की देग पका लें तो आप उसको अगर बेच सकते हैं पापलेट के ऊपर, और अगर आप और रीजनेबल उसको जो कॉस्ट कट करके, तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं। जो आप रवायती नौकरी और इस तरह की जो मामले वाले अंदर है ना आप, तो उससे आप निकलना होगा। दुनिया बदल गई, हमें अपनी सोचों को, अंदाज को बदलना होगा, तभी जाके हम जिंदगी में तरक्की करेंगे और हमारी लाइफ जो है ना वो बेहतर होगी। तो सो आमदनी जो है ना वो बढ़ती कि बाहर से नहीं है कि बाहर से आमदनी बढ़ेगी, आपको कोई आप पे रहम खाएगा या आप पे कोई वो मेहरबानी करेगा, नहीं। आमदनी बढ़ती है कि जब आप एलिजिबिलिटी का मजारा करते हैं। अगर उस्मान आसिफ ने 2 अरब रुपया कमाया, चलो 10 साल लगे उनको उस हदफ को अचीव करने में, तो आपको 5 साल लग सकते हैं, सही है ना। तो क्योंकि अब एक चीज हो गई तो आप उसको अब वो मुमकिन है, और आज के दौर के अंदर ही मुमकिन है कि जबकि आपको टेक्नोलॉजी का बिजनेस है और बहुत सारी चीजें हैं कि जहां आप ओवरनाइट बहुत पैसा कमा सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। तो लिहाजा आप उस अपनी देखें, कुछ किसी चीज को हमें छोड़ना होता है, किसी को पकड़ना होता है। जो स्टेट आपकी है या जो आपका माहौल है उसको आपको छोड़ना होगा, चाहे उसमें आप कितने भी इंडल्ज हो गए हैं और कितना आपको अच्छा लगता है, आपको उस माहौल में जाना होगा कि जहां लोग पैसा कमा रहे हैं, जहां लोग तरक्की कर रहे हैं, जहां लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज आपको मद्देनजर रखनी चाहिए। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।